हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अर यूट्यूब चैनल स्टडी हब आज के इस लेक्चर में हम एम कवर करेंगे बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट फिफ्टीन एम कवर कराए थे आज हम नेक्स्ट फिफ्टीन लेके आए हैं सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एम के साथ विच ऑफ़ द फॉलोइंग रीजन हैज़ द मैक्सिमम डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कौन से रीजन में होती है मैंग्रोव्स में, में होगी टेम्परेट फॉरेस्ट में होगी टाइगा में होगी या कोरल रीफ्स में होगी सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी जो है हमारे पास वो मैंग्रोव्स में होती है ठीक है सो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा मैंग्रोव कंजर्वेशन विद इन नेचुरल हैबिटेट नेचुरल हैबिटेट में किसी भी स्पीशीज़ को कंजर्व करके रखना उसको हम क्या बोलेंगे इन सी टू एक्स सी टू कंजर्वेशन इन वी कंजर्वेशन एक्स वी कंजर्वेशन सो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए इन सी टू कंजर्वेशन नैचुरल हैबिटेट में इन सी टू कंजर्वेशन अगर हम आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्ससी टू कंजर्वेशन ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑल आर इन सी टू कंजर्वेशन एफर्ट्स एक्सेप्ट ये सब आपको in -situ conservation इन सी टू कंजर्वेशन दी गई हैं इनमें से कौन सी इन सी टू कंजर्वेशन नहीं है वो ढूंढना है हमें सो नेशनल पार्क रहेगा सेंचुरीज रहेंगी जू रहेगा या फिर बायोस्फियर रिजर्व्स रहेंगे इन सीटू नेचुरल हैबिटेट में होती है नेशनल पार्क है नेचुरल हैबिटेट सो उसके बाद है सेंचुरीज सेंचुरीज़ में क्या होता है सेंचुरीज़ में भी नेचुरल होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेचुरल हैबिटेट में होता है बायोस्फीयर भी नेचुरल हैबिटेट में होता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा जू ठीक है जू इज द करेक्ट ऑप्शन उसके बाद है हमारे एक्सी टू कंजर्वेशन इंक्लूड्स कंजर्वेशन ढूंढनी है हमें जू होगा बोटेनिकल गार्डन होंगे जर्म प्लाजम बैंक होंगे या फिर ये सारे ऑल ऑफ द द अवब अवब ऑल ऑफ सो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास ऑल ऑफ़ द अवब. जू भी हमारे पास एक्सी टू है बोटेनिकल गार्डन जर्म प्लाजम बैंक ये सब एक्सी टू कंजर्वेशन है आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट कंजर्व करते हैं इनको नेक्स्ट है हमारे पास हॉटस्पॉट आर द रीजन ऑफ हाई इसको छोड़ दीजिएगा ऑप्शन है हमारे पास एंडमिजम क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है हॉट स्पॉट्स कौन से रीजन होते हैं यहाँ पे हाई एंडेमिज्म होता है जहाँ भी रिस्क होता है कि वो जो रीजन है वो ख़त्म हो जाएगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी इज़ ऑफ इम्पॉर्टेंस एज इट ऑफर्स स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम स्टेबिलिटी ऑफ एटमोसफियर स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज या फिर स्टेबिलिटी ऑफ रिसर्च बायोडाइवर्सिटी क्या है डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करना हमारी अर्थ पर है ना उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं तो ये क्या एग्जिस्ट अगर डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है अर्थ पर तो वो क्या कर रही है किस चीज़ की स्टेबिलिटी कर रही है एटमॉसफियर की नहीं स्पीशीज की नहीं तो इसका ऑप्शन रहेगा इको सिस्टम इको सिस्टम को स्टेबल बना रही है ये है ना तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए हाउ मैनी बायोजोग्राफिकल रीजन्स आर प्रेजेंट इन इंडिया इसमें से कितने बायोजोग्राफिकल रीजन प्रेजेंट है इंडिया में नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया इज अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखा हमने हॉटस्पॉट क्या होता है जो एंडमिक रीजन होता है उसके बाद है इसमें से कौन सा ऐसा है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंडर आ, आता है ठीक है सुंदरबंज है वेस्टर्न गार्ड्स है ईस्टर्न गार्ड्स हैं या फिर गैंगेटिक प्लेन्स हैं हॉटस्पॉट की बात कर लेते हैं हमारे इंडिया में कितने हॉटस्पॉट्स हैं फोर तीन जो है मैं आपको बता देती हूँ पहला है हिमालयस डिवीजन कर लेते हैं साथ साथ उसके बाद है इंडो वर्मा उसके बाद है हमारे पास सुन्डरलैंड एंड फोर्थ आपको इनमें से बतानी है फोर्थ ऑप्शन आपको इनमें से बताना है तो फोर्थ हॉटस्पॉट हमारा कौन सा हो जाएगा वेस्टर्न गार्ड्स ठीक है फोर्थ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा वेस्टर्न गार्ड्स तो ये चार हाट हॉटस्पॉट्स हैं हमारे इंडिया में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा है या तीन ऑप्शन देख के चौथा तो नहीं दिया जाएगा कि कौन सा इनमें से नहीं है तो ये आपको ये चारों याद रखने हैं हिमालयाज इंडोबोर्मा सुनरलैंड्स एंड वेस्टर्न गार्ड्स ठीक है नेक्स्ट चलते हैं सेक्रेट ग्रुप्स आर स्पेशली यूजफुल इन सेक्रेट ग्रुप्स जो होते हैं वो किस लिए काम आते हैं सेक्रेट ग्रुप्स मैंने आपको बताया था सेक्रेट uh, हमारे चीज़ों को प्रिजर्व करने के काम आते हैं है ना क्या करते हैं कभी ट्रीज़ को वर्शिप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गॉड है ना तो वो हमारे लिए किस लिए यूजफुल्स हैं जनरेट करते हैं इन्वॉलमेंट अवेयरनेस प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन यर राउंड फ्लो ऑफ वाटर्स इन रिवर या कंजर्व करते हैं रियर एंड थ्रेटनड स्पीशीज सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा डी पार्ट कंजर्व करते हैं रियर एंड थ्रेटनड स्पीशीज ठीक है किसी भी स्पीशी को वर्शिप करके उस चीज़ को प्रिजर्व करते हैं उनकी पूजा करते हैं इसीलिए साथ साथ हमारी वो जो रेयर और थ्रेटनड स्पीशी है उनकी कंजर्वेशन भी हो जाती है है ना उसके बाद है नेक्स्ट द टर्म अल्फा डाइवर्सिटी रेफर्स टू अल्फ़ा डाइवर्सिटी कौन सी होती है जेनेटिक डायवर्सिटी कॉम्युनिटी एंड इकोसिस्टम स्पीशीज डाइवर्सिटी या फिर डाइवर्सिटी अमंग द प्लांट्स सो अल्फ़ा डाइवर्सिटी इज द स्पीशीज डाइवर्सिटी हमने पढ़ा था ना वेटेकर ने तीन तरीके की डिविजन कराई थी है ना अल्फा बीटा एंड गामा हमारे पास था है ना इस तरीके से डिवीजन कराई थी तो अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी कौन सी थी जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ होती थी एक रीजन में एक इकोसिस्टम में हम उसको अल्फ़ा डाइवर्सिटी बोलते थे एक रीजन में कन्फाइन थी स्पीशीज रिचनेस भी बोलते थे हम उसको विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी भी बोलते हैं इसको है ना तो ये कुछ अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था बीटा भी पढ़ा था एंड गामा भी ये तीन किसने दी हैं डिविजिट्स विटेकर ठीक है नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे टर्म है सॉरी टर्म यूज फॉर स्पीशीज़ विच इज़ इन डेंजर ऑफ बींगस्टिंक्ट इन नियर फ्यूचर वो कौन सी स्पीशी है जो नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने वाली है एक्सटिंक्ट कौन सी हो जाती है जिनकी डेथ हो जाती है जो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं ना उसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ तो इनमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है उसको ये टर्म देंगे डिग्रेडिबिलिटी एक्सटिंक्ट बोलेंगे एंडेंजर्ड बोलेंगे या ग्लोबल डाइवर्सिटी बोलेंगे सो so, वो कौन सी होंगी एंडेंजर्ड स्पीशीज ठीक है एंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं इसके बाद इनकी कौन सी कैटेगरी आती है? एक्सटिंक्ट स्पीशीज सो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हाउ मैनी बायोसफेयर रिज़र्वस आर देयर इन इंडिया इंडिया में कितने बायोस्फेयर रिज़र्व हैं इन ऑप्शनस को रहने दो अभी तो हमने कितने बायोस्फेयर रिजर्व्स पढ़े थे एटीन एटीन बायोस्फेर रिजर्व्स पढ़े थे ना हमने एटीन के बाद हमने पढ़ा था एक मैप प्रोग्राम था मैप प्रोग्राम के अंडर कितने बायोस्ेयर रिज़र्व्ज आते हैं हमारे कितने बायोस्ेयर रिज़र्व आएंगे ट्वेल्व ठीक है मैप की फुल फॉर्म हमने ऊपर पढ़ी या आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताइएगा उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई हैं इनको प्लीज इग्नोर कीजिएगा विच साइंटिस्ट हैज क्लासिफाइड स्पीशीज डाइवर्सिटी कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिन्होंने स्पीशीज डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया था थियोप्रिस्टस लीनियस वेटिकर या फिर ट्रीशो सो so इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी पार्ट ठीक है सो चलिए नेक्स्ट चलते हैं एक्सी टू कंजर्वेशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सी टू कंजर्वेशन कौन सी होती है जो हम आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट कंजर्व करते हैं आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट है ना इसको और क्या नाम से बोला जाता है ऑन साइट ऑफ साइट बोथ या फिर नन सो so, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी ठीक है ऑफ साइट कंजर्वेशन भी बोला जाता है

पीछे क्वेश्चन में पढ़ा चार हैं हमारे पास कौन कौन से हैं हिमालयस इंडो बर्ग सुंदरलैंड एंड वेस्टर्न गार्ड्स ये चार हमारे पास बायोडाइवर्सिटी दाइव हॉटस्पॉट्स हैं सो so, चलिए यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे एमसीक्यूज और आपका अच्छा स्कोर रहा होगा यहाँ तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बाय टेक केयर